धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर हम आपसे कुछ चाहते हैं तो बस एक जवाब, जो हमारे जानना चाहते हैं कि अब क्यों हमारे दिल के अंदर से एक आवाज आ रही है कि हम आपका जवाब जाने। खुदा कसम, आप जवाब देंगे तो हम सुनेंगे जोधा बेगम, और आपको भी अपने कान्हा और काली माँ की कसम, जिनकी आप इबादत करती हैं, आपके वालिदैन की कसम, आपको जिनकी आप इज्जत करती हैं, और उस हर शख्स की, उस हर शख्स की कसम जिसे आप मोहब्बत करती हैं, जवाब दीजिए हमें, बताइए हमें, क्या आप उस शख्स को जानती हैं? जितना पूछा जाए सिर्फ उतना जवाब दिया जाए। हाँ। क्या आप उससे हमारे निकाह से पहले भी मिली हैं? हमारे लेना से अपने अपने कहने के लिए जवाब दीजिए, क्या आप उससे मिली हैं जोधा बेगम? कब से जानती हैं आप उसे? कब से जानती हो आप उसे? एक आखिरी सवाल और, क्या आप उसे चाहती हैं, उससे मोहब्बत करती हैं? जितना पूछा जाए इतना जवाब दिया जाए, बताइए हमें कि क्या आप उससे मोहब्बत करती हैं? आपने हमें शर्मसार कर दिया है जोधा बेगम। एक गैर मर्द के साथ नाजायज रिश्ता बनाकर उसे कबूल कर आपने इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया है जोधा बेगम। आज हम शर्मसार है, आज मुगल सदर शर्मसार है आपसे, आपके वालिदैन शर्मसार हैं आपसे, और खास करके सबसे ज्यादा आपकी राजवंशी तहजीब शर्मसार है। हमें आपसे मोहब्बत हो गई थी जोधा बेगम, मैं एक मोहब्बत की रोशनी देखने लगी थी, और आपने उस रोशनी को नापाक कर दिया अपनी जिनाकारी से। हम आपको इस रिश्ते से आजाद करते हैं, और खुदा के लिए कल सुबह सूरज की पहली किरण गिरने से पहले आप चले जाइए यहां से। बताओ हमारे काबिल जासूस कि क्या खबर लाए, जोधा बेगम के क्या हाल चाल है? हम शहजा को सत्य बता देते, परंतु अब तो कुछ भी कहने सुनने का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। वो तो शहजा चाहते हम सदा के लिए उनसे दूर हो जाए, उनके हृदय में हमारे लिए कोई स्थान नहीं है, तो इस महल में रहकर हम क्या करेंगे? वो थे, हम क्या करेंगे? वो रो ही नहीं रही थी, बल्कि अपनी किस्मत को कोस रही थी। शहजा के इल्जाम ने उनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शहंशाह ने जोधा बेगम को आगरा से निकल जाने का हुक्म तक दे दिया।
क्या सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो जोधा बेगम गई या नहीं, उनका सामान बंधा या नहीं? सच बताऊं बेगम साहिबा, पहली बार जोधा बेगम की तकलीफ देखकर तरस आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तरस? लगता है तुम भी जोधा बेगम के मुरीद हो गए। नहीं नहीं बेगम साहिबा, हरगिज नहीं। अपनी औकात मत भूलो, और ना ही ये कि तुम अभी भी हमारे गुलाम हो। जोधा बेगम की खिदमत का नाटक करते करते तुम्हारी वफादारी उनकी ओर मुड़ गई है। नहीं बेगम साहिबा, हम तो आपके ही खिदमतगार हैं। हमारी वफादारी पर सवाल मत उठाइए। हमसे सवाल लड़ाते हो? बेगम रुकैया, क्या कर रही है? खुशी का दिन है आपके लिए, जश्न का दिन, और आप इस बेचारे पर गुस्सा हो रही हैं। बेगम रुकैया, आखिर जलाल के सर से बेगम जोधा का जादू उतर ही गया। बहुत गिने चुने दिन रह गए हैं बेगम जोधा के इस महल में। ना ना, गिने चुने नहीं मां मंगा, सिर्फ आज की रात। अभी हमें होशियार ने आके बताया कि जलाल ने जोधा बेगम को महल छोड़ने का हुक्म दे दिया है। माशाल्लाह, क्या उम्दा खबर सुनाई है आपने हमें। वाह, दिल खुश हो गया। सोचा भी नहीं था कि ये वार इतना गहरा जख्म दे देगा जलाल को। तुम्हारी तो पता हो गई बेगम रुकैया। दिल से कहें, हम बहुत खुश हैं आपके लिए और साथ साथ अपने लिए। कभी सोचा न था जिन खुशी के दिनों का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अल्लाह वो दिन इतने जल्दी दिखाए। शहशाह को बता देते कि वो कोई और नहीं, हमारे भाई साथ है। सुजमल भाईसा को दिया वचन, हम नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते। जोधा, उठो जोधा। कौन हो तुम? टेंशन की बात से इतनी दुखी हो गई कि अपनी अंतरात्मा को नहीं पहचान पा रही। मैं तुम्हारे मन का नाद, तुम्हारी आत्मा का स्वर, कब से तुम्हें निद्रा से जगाने की चेष्टा कर रही हूँ। जागो जोधा, इससे पहले कि सब कुछ बिखर जाए, जाकर शहंशाह को सब कुछ सत्य बता दो। नहीं, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। उन्हें लगेगा कि हम कोई बहाना बना रहे। हमने उनका विश्वास खो दिया है और इस बात से उन्हें बहुत चोट पहुंची है। वाह जोधा, वाह, शहंशाह की चोट की चिंता है तुम्हें, पर तुम्हारी चोट का क्या? उसका भान है तुम्हें। शहंशाह ने तुम्हारे चरित्र पर संदेह किया है, तुम्हारा हृदय तोड़ा है, और तब भी तुम्हें शहंशाह की चोट की चिंता है? नहीं, पहली चोट हमें न पहुंचे, हमें उनसे सत्य छिपाया, उनके प्रश्नों का ठीक से उत्तर नहीं दिया, अपनी बात उन्हें नहीं समझाई, और फिर उन्होंने जो कुछ भी देखा उससे उनका हम पर क्रोधित होना स्वाभाविक है। हमारे मौन से उन्हें ठेस पहुंची है। नारी के लिए सबसे बड़ा उसका चरित्र हो, एक राजवंशी के लिए उसका मान। कैसी नारी हो तुम जोधा, कैसी राजवंशी। शहंशाह ने तुम्हारे चरित्र और मान दोनों का आघात पहुंचाया, तब भी तुम कह रही कि उन्होंने कुछ भी अनुचित नहीं किया तुम्हारे साथ? कहीं ऐसा तो नहीं जोधा कि तुम्हें उनसे प्रेम हो गया है? यही बात है ना, तुम्हें शहंशाह से प्रेम हो गया है ना जोधा? मेरे प्रश्न का उत्तर दो जोधा। अब से पहले कितनी बार शहंशाह अपने प्रेम का निवेदन तुम्हारे पास लेकर आए, तुम्हारी बातों को गंभीरता से सुना, तुम्हारी भूल को क्षमा किया, परंतु तुमने आज तक उनके प्रेम का उत्तर नहीं दिया। और आज चाहती हूँ कि वो तुम्हारी बात माने, तुम्हें पवित्र समझे। तुम उनका विश्वास क्यों चाहती हो? मैं बताऊं, क्योंकि तुम शहंशाह पर क्रोधित नहीं हो और ना ही उनसे भयभीत हो।
तुम्हें ठेस पहुंची है। तुम्हें ठेस पहुंची कि उन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया, तुम्हारी निष्ठा पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि तुम्हें उनसे प्रेम है। और तुम इसलिए उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहती क्योंकि तुम्हें लगता है कि सच जानने से शहंशाह को और ठेस पहुंचेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें ना तो कोई स्पष्टीकरण देना है और ना ही हमें शहंशाह से प्रेम है। हम बस अपने भाई साहब को बचाना चाहते हैं, और जैसे हमें पता चलेगा कि वो सुरक्षित है और हम उन्हें बचाने में सफल हो गए, हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम यहाँ से इसलिए चले जाना चाहते हो ताकि तुम्हें मनाने के लिए शहंशाह तुम्हारे पीछे आए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप से झूठ मत बोलो जोधा। तुम शहंशाह से प्रेम करती हो और यही सत्य है। तुम्हें उससे प्रेम हो गया है, जिसका सर कभी तुमने काली माँ के चरणों में चढ़ाने की सौगंध खाई थी। वो जो कोई भी है देवी माँ, उसने आपके गहने उतारे हैं। हम उसका सर उतार कर ले आएंगे। और यही कारण है कि शहंशाह का तुम पर आरोप लगाने के पश्चात भी तुम उनसे क्रोधित नहीं हो, बल्कि उनका रक्त देखकर तुम्हें पीड़ा हुई। तुम्हें बताओ, यदि तुम शहंशाह से प्रेम नहीं करती तो उनका रक्त देखकर तुम्हारे अश्रु क्यों बहाए जोधा? चित्र बात है ना जोधा, तुम्हें उससे प्रेम हो गया है जिसे तुम पर विश्वास तक नहीं। अब तुम क्या करोगे? एक और तुम्हारे भाई सा है, दूसरी और शहंशाह, और तीसरी और तुम्हारा मन। अब तुम्हारे पास केवल दो मार्ग। पहला, अपने भाई सा को बचा लो, अपने मन का त्याग करके शहंशाह को सब कुछ सच सच बता दो। दूसरा मार्ग, अपने मन को लेकर यहाँ से चल जाओ। ना वचन नहीं तोड़ सकती और शहंशाह सल्तनत के उपहास और अनादर का भागी नहीं बन सकती। शुरू बहाने से कोई लाभ नहीं होगा जोधा, तुम चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, यहाँ कोई नहीं है तुम्हारे लिए, चली जाओ, छोड़ दो आगरा, चली जाओ जोधा, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। जोधा, शहंशाह बहुत क्रोध में है, वो कुंवर सुजामल को जीवित नहीं छोड़ेंगे। जोधा, अभी भी समय है, आप जाइए, शहंशाह को सत्य बता दीजिए। हमें शहंशाह से बात करनी ही होगी। उस समय वो क्रोध में थे, कुछ सुनना नहीं चाहते थे, परंतु अब उन्हें सत्य बताना होगा। अपने भाई सा को दिया वचन तोड़ना होगा, क्योंकि अब प्रश्न भाई बहन के संबंध पर उठ रहे हैं। हमें बताना होगा कि हम क्यों विवश थे। हम एक वचन को बनाए रखने के लिए एक संबंध को कलंकित नहीं होने दे सकते। बेगम जोधा, इस वक्त कहाँ जा रही हैं आप? शहंशाह से मिलने जा रहे हैं, उनसे बहुत आवश्यक बात करनी है हमें। नहीं बेगम जोधा, खुदा के लिए आप इस वक्त उनसे ना मिले तो बेहतर होगा। आप अंदाजा नहीं लगा सकती उनका मिजाज इस वक्त कितना बिगड़ा हुआ है, गुस्से से पागल हो रहे हैं। हमारे ख्याल से इस वक्त आपको उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए और बात नहीं बिगाड़नी चाहिए। परंतु महामंगा जी, हमारा उनसे मिलना बहुत आवश्यक है, हमें उनका भ्रम मिटाना होगा। विश्वास कीजिए, हमसे मिलने के बाद वो शांत हो जाएंगे। बात को समझने की कोशिश कीजिए। तवा जब गर्म होता है, उसको ठंडा करने के लिए जब हम उस पर पानी छिड़कते हैं तो वो पानी भी उबले तेल की तरह उछल कर हाथ जला देता है। मत जाइए इस वक्त शहंशाह के पास, वो शायद आपकी बात ना सुने और बात और भी बिगड़ जाए। परंतु जब तक हम उनसे मिलेंगे नहीं, उन्हें सच नहीं बताएंगे, वो शांत भी नहीं होंगे। हमें उनसे मिलकर बताना होगा कि वो राजवंशी कोई और नहीं बल्कि हमारे। बेगम जोधा, शहंशाह का हुक्म है, वो इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहते। हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, आप इस वक्त उनसे ना मिले, और अगर आप फिर जिद कर रही हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शहंशाह, हम आपसे मिलकर आपका हर संदेह मिटा देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि हमारा चरित्र और आपसे हमारा संबंध दोनों पवित्र हैं। हम जानते हैं कि आप शहंशाह को सच बताने के लिए किस कदर बेकरार हैं बेगम जोधा, मगर माफ करना, यह गलत फहमी दूर हुई तो हमारा मकसद हमसे दूर हो जाएगा और हम ऐसा होने नहीं देंगे।
चले जाइए यहां से। बड़े मेहमनी जानते थे इस वक्त आप यहां आएंगे, लेकिन इस वक्त हम किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात तक नहीं करना चाहते। चला, वो बेगम जोधा आपसे मिलना चाहती थी। कह दीजिए उनसे कि हम उनसे मिलना नहीं चाहते। बिल्कुल यही बात हमने उनको समझाई थी, लेकिन वो कह रही हैं कि वो आपकी गलत फहमी दूर कर देना चाहती है, माफी मांगना चाहती है आपसे। जब इंसान ही गलत हो तो गलत फहमी को दूर करने की जरूरत नहीं पड़ती है बड़ी हमें। और फिर उन्होंने ऐसा गुनाह किया है जिसकी कोई माफी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप उन्हें समझा दें कि हम उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। चलो ना, जाइए यहां से। सच कहें महामंगल, हम रात को इस खुशी के मारे सो ही नहीं सके कि अगला कदम हमारे लिए कौन सी नई खुशी ले आएगा। हम भी एक सच बात कहें, हमें एक अरसे के बाद बहुत अच्छी नींद आई खुशी में। परेशान मत होइए अम्मी जान, शहंशाह पर पूरा भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार इंसान है और हमें पूरा यकीन है कि वो जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। नहीं सलीमा बेगम, हमें नहीं लगता कि जोधा के पास अब कोई रास्ता बचा है। हम समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में कोई गलत फहमियाँ हैं, शायद जोधा ने जलाल से कोई बात छुपाई है, लेकिन हम ये कभी नहीं मान सकते कि जोधा ने कोई गलत कदम उठाया है। हमें उस पर पूरा यकीन है, जोधा जलाल को कभी ठेस नहीं पहुँचा सकती। हम भी उनसे इत्तेफाक रखते हैं, जरूर कोई मजबूरी रही होगी जो उन्होंने ऐसा कदम उठाया। सबर रखिए अम्मी जान, सच जल्दी सबके सामने आ जाएगा। आमीन। मगर जोधा बेगम है कहाँ? होशियार, शहंशाह हिंद, बादशाह सलामत, जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। अदगा सर, उस राजवंशी को हमारे सामने पेश किया जाए। जी हुजूर। सिपाहियों, दिलावर खान को पेश करो। मदगा साहब उस राजवंशी से हम तनाही में गुफ्तगू करना चाहेंगे। जो हुक्म शहंशाह। गुस्ताखी माफ शहंशाह। क्या हुआ हुजूर? वो जो राजवंशी, जब हम उसे आपके हुजूर में पेश करने ला रहे थे तो उसने हम पर हमला कर दिया और वहां से भाग गया। क्या तुम सब में इतना भी दम नहीं कि तुम सब मिलके एक राजवंशी को पकड़ सको? सबके सब नाकारा है, उसको हम खुद ही पकड़ेंगे। बेचारे कुंवर सुजामल अब मौत से कैसे पीछा छुड़ाएंगे? अदगा साहब, हम उस शख्स को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसका सर कलम किए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। उसे चारों से घेर लिया जाए, लेकिन इस बात का ख्याल रहे, ये हमारा शिकार है। बहुत चुप पर गए हैं, बहुत लोगों का कत्ल किया है हमने, लेकिन इतने शख्स को हम मारेंगे, और इसे मारने से पहले इसकी आंखों में मौत का खौफ देखना चाहेंगे। जाइए सिपाहियों, शहंशाह के पीछे जाओ। अदगा साहब उस शख्स को घेरिए, हमें वो हर हाल में चाहिए।
तुम्हारी इतनी जरूरत, तुम्हें आज हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज ना मैं आप पकड़ सकेंगे और ना ही मृत्यु, प्रयास करके देख लीजिए। शहंशाह, आज सुजामल भले ही आपसे बच के निकल जाए, मगर आप अपनी मौत से बच के नहीं निकल पाओगे।